जी आज का टॉपिक है बेटा सेक्स लिंकेज। ये देखिए कि सबसे पहले तो हमने बात की कल पिछले जो टॉपिक है उसमें हमने बात की सेक्स क्रोमोसोम्स की। ठीक है कि सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं और उसको हमने समझ लिया कि अगर कोई क्रोमोसोम डायरेक्टली इन्वॉल्व है जेंडर डिफाइन करने में तो उसको आप कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है ऑब्वियसली अगर कोई चीज क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर जीन है, ये बात तो लाजमी है। ठीक है, और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई जो है वो क्रोमोसोम है और उसके ऊपर जीन होना लाजमी है, तो अगर कोई सेक्स क्रोमोसोम है तो उस सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो इसको आप कहेंगे सेक्स पेयर। ठीक है, और वो जीन, ये देखिएगा, द जीन्स एसोसिएटेड या आप कहेंगे कि जीन्स लिंक्ड विद द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के साथ जो जीन्स जो हैं वो लिंक्ड होंगे उनको आप कहेंगे क्या, उनको आप कहेंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, उनको आप सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं और इन सेक्स लिंक्ड जीन्स को आप एक और इस फिनोमिना को कि जीन्स जो हैं वो इन क्रोमोसोम से लिंक्ड हैं, ऐसे जीन्स को आप कहेंगे सेक्स लिंकेज। इस फिनोमिना को आप कहेंगे सेक्स लिंकेज। यानी बुनियादी तौर पर आपने क्या कहा कि हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद हैं, वो जो जीन्स हर क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं वो हर क्रोमोसोम से लिंक्ड है। कुछ जीन्स हैं जो ऑटोसोमल के साथ हैं, उनको आप सेक्स लिंक नहीं कहेंगे, उनको आप ऑटोसोमल लिंक कहेंगे। सेक्स लिंक जीन्स सिर्फ किनको कहा जाएगा, जो हमारे क्रोमोसोम के सेक्स पेयर के मौजूद होंगे उनको सेक्स लिंक्ड जीन्स या उस फिनोमिना को कहा जाएगा सेक्स लिंकेज। ये टोटल बात है असल में आप लोगों को जो समझने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक अदद एक्स क्रोमोसोम है और ये आपके पास एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जो भी जीन्स मौजूद होंगे उनको आप कहेंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स। क्यों? क्योंकि ये अब ये वाला एक्स कौन सा वाला है, जो 23वां पेयर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपका जो ये वाला है वाई है। ठीक है, वाई, अब जो वाई है वो छोटा क्रोमोसोम है, इतना छोटा सा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो जो जीन्स लिंक्ड होंगे उनको भी आप सेक्स लिंक्ड ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका है इसको कहने का। अगर आपने कहना है ना कोई कोई जीन्स सेक्स लिंक्ड है लेकिन एक्स से है, तो आप उसको क्या कहेंगे, एक्स लिंक्ड जीन्स, एक्स लिंक्ड। ठीक है, इस एक्स का सीधा सीधा मतलब है कि वो किस पेयर से है, सेक्स पेयर से है, और वाई लिंक्ड इसका ऑब्वियस मतलब ये है कि ये भी सेक्स लिंक्ड है यानी सेक्स पेयर से है। तो इसका क्या मतलब होगा कि अब अगर मैं आपको कहूंगा कि फला जीन जो है वो उस पे मौजूद है, एक्स लिंक्ड है, तो इसका मतलब है कि वो सेक्स पेयर के एक्स लिंक पर है, और फला जीन वाई लिंक्ड है तो इसका मतलब है वो सेक्स पेयर के वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है। तो जो भी जीन सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होंगे उनको आप सेक्स लिंक्ड जीन्स कहेंगे। ठीक है, उनको आप सेक्स, जैसे आप लोगों ने आगे एक डिजीज पढ़नी है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया जो है ये एक डिजीज है जिसका जीन मौजूद ही किस पे होता है, जिसका जीन मौजूद होता है एक्स पे। ठीक है, तो आप इस हीमोफीलिया के जीन को क्या कहेंगे, एक्स लिंक्ड जीन। यानी इसमें सेक्स लिंकेज है और इसमें ये एक्स लिंक्ड जीन है क्योंकि ये सेक्स पेयर के एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंक्ड जीन्स। इसको इस तरह से जो है वो फिर हम ये बात हम इस तरह से करते हैं। अब यहां पर जो है वो आगे हम गुफ्तगू करेंगे। हमने यहां पर वैसे तो बात करनी है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन की। ठीक है, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन की, लेकिन एक बात याद रख, मेरी आवाज नहीं आ रही, इतनी देर से नहीं आ रही। हेलो, किसको नहीं आ रही, आप में से किसी को भी नहीं आ रही? एक मिनट में उसको मैसेज करता हूं।
लगता है उसका वहां पे उसकी तरफ के सिग्नल्स का इशू हो गया। जी बेटा, अब आ रही है। फातमा, मुझे तो अभी भी नहीं आवाज आ रही उसको। अच्छा ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि असल में ये और ऑर्गेनिजम्स में भी ये लिंकेज मौजूद होती है। जैसे आप अगर यहाँ पर बात करते हैं अदर मैमल्स, ठीक है, जैसे माउस, रैबिट, डॉग, शीप, हॉर्स, डोंकी, इनमें खास तौर पर ये मौजूद होती है कि ये जो है ना, बाकी मैमल्स जो है उनमें भी ये खासियत मौजूद है कि उनके मखसूस किस्म के जीन्स उनके एक्स और वाई जीन्स पर, क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने एक बात तो समझ ली कि जो सेक्स लिंकेज है वो एक्स या वाई क्रोमोसोम के साथ अटैच है। लेकिन लेकिन अब देखिए, सेक्स लिंकेज में कुछ आपके लिए आपके जीन्स होते हैं जो कि डिजीज के जीन्स हैं। हमारे जो आप इसको डिजीज के जीन्स कह लें, या बेसिकली कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके जीन्स जब एक्स पर लिंक होते हैं तो उनमें अगर होमोजाइगस रिसेसिव आ जाए तो डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे एक चीज होती है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, अगर ये ब्लड क्लॉटिंग एबसेंट हो जाए ना, तो इस डिजीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया। इस डिजीज को हम हीमोफीलिया कहते हैं, और हीमोफीलिया जो है इसका सीधा सीधा ताल्लुक किससे है? एक्स लिंक्ड से। ये एक्स लिंक्ड है, यानी कि ये जो है वो हमारे एक्स वाई पेयर में से एक्स पर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप बात करते हैं कि एक है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। अब ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी एक ऐसी डिजीज है कि जिसमें जो है हमें कलर सही तरीके से उनमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता। अब कलर ब्लाइंडनेस जो है अगर हमें अकर हो जाती है तो उसका भी ताल्लुक किससे है? एक्स लिंक्ड से। ठीक है, अब यहां पर मैं अब आपको एक बात बताता हूं कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग है या कलर ब्लाइंडनेस है, इनको हम खास किस्म की डिजीज का नाम देते हैं। गौर कीजिएगा, इनको हम नाम देते हैं एक्स लिंक्ड, कि ये हैं तो एक्स लिंक्ड लेकिन ये रिसेसिव डिजीजेज है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड या एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज का क्या मतलब है कि ये डिजीज सिर्फ कब होगी? जब आपके जो जीन्स होंगे वो दोनों के दोनों क्या हो जाएं? दोनों के दोनों रिसेसिव हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हीमोफीलिया की बात करते हैं, हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया में आप क्या कहेंगे कि ये इसमें भी कंडीशन में भी हीमोफीलिया नहीं है, आपको इस कंडीशन में भी आपको हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में आपको हीमोफीलिया है, ये जीनोटाइप होगी तो आपको हीमोफीलिया होगा। यानी ये कौन सी डिजीज हो गई? एक्स लिंक्ड, कि ये एक्स पर मौजूद है लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्यों? क्योंकि है ये क्रोमोसोम एक्स पे, लेकिन ये डिजीज सिर्फ कब हो रही है? जब आपके ये दोनों जीन रिसेसिव हैं। ठीक है, तो ऐसी डिजीज को आप कहेंगे कि ये है तो एक्स लिंक्ड लेकिन रिसेसिव है, कि ये जीन्स के रिसेसिव होने की वजह से हो रही है। अब ऐसे को लिखा कैसे जाता है? एक्स लिंक्ड, अगर एक डिजीज, एक जीन एक्स लिंक्ड है तो इसको लिखा कैसे जाता है? इधर देखिएगा, आप ऐसे बनाया करते थे ना मेंडल की बारी में, मेंडल को ऐसे किया करते थे। जब आपने क्रोमोसोम शो करना है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम शो करना है, एक्स क्रोमोसोम आपने शो कर दिया, अब आप क्या करेंगे? उससे एसोसिएटेड जीन को ऊपर लिख देंगे, हीमोफीलिया ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, फिर आप ऐसे लिखेंगे तो आप पहले शो करेंगे एक्स क्रोमोसोम और फिर आप लिखेंगे एक पे डोमिनेंट, एक पे रिसेसिव। फिर जब आप रिसेसिव कंडीशन दे रहे होंगे तो दोनों एलील्स शो करेंगे और उनके ऊपर आप उनका जीन शो कर देंगे कि रिसेसिव जीन है। तो बुनियादी तौर पर आप ये जो अब नीचे शो कर रहे हैं, ये किसका एक्सप्रेशन है? ये क्रोमोसोम है।
ये है क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन, ये कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाएगा, ये क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन है। अब पहले नहीं, पहले तो वही था जो पहले वाला रूल था। अब ये होगा कि जो नीचे अल्फाबेट लिखा जाएगा वो क्रोमोसोम का होगा, और ऊपर वाले अल्फाबेट क्या एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ऊपर वाले अल्फाबेट एलील्स की जीनोटाइप रेफर कर रहे होंगे कि उन एलील्स की जीनोटाइप क्या है। अब एक जीनोटाइप ये है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों के दोनों नॉर्मल केसेस हैं, लेकिन ये होमोजाइगस रिसेसिव है, लिहाजा ये डिजीज आपको हो जाएगी। एक बात सुन लीजिए, फिर नमाज का वक्फा करते हैं। इधर देखिएगा कि अगर आपका सी है, ठीक है, अब सी जो है वो एक्स आप शो करते हैं, एक्स क्रोमोसोम शो करते हैं, क्योंकि सेक्स लिंकेज शो करनी। याद रखिए, ये जो सिचुएशन, ये जो फिनोमिना मैं बना रहा हूं कि वो सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंकेज में आपको पहले सेक्स क्रोमोसोम शो करना है। तो आपने पहले शो कर दिया सेक्स क्रोमोसोम, अब आप उसके ऊपर शो कीजिए उसका एलील। फॉर एग्जाम्पल, कलर ब्लाइंडनेस है। अब कलर ब्लाइंडनेस में आप अगर अल्फाबेट सी यूज करते हैं तो हर जगह सी और स्मॉल सी में डिफरेंस मुश्किल हो जाता है। आप क्या करते हैं, सी प्लस और सी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जब आपने होमोजाइगस डोमिनेंट शो करना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सी प्लस सी प्लस। इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये सेक्स लिंक्ड है लेकिन इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, दोनों डोमिनेंट है। एक्स एक्स सी प्लस सी, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन क्योंकि एक डोमिनेंट जीन है लिहाजा ये भी क्या है, ये भी नॉर्मल है। अब आइए होमोजाइगस रिसेसिव, आप क्या करेंगे, किसी के ऊपर प्लस नहीं शो करेंगे। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन अब ये क्या है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है होमोजाइगस रिसेसिव का, इस केस में क्या हो रही है, डिजीज हो रही है। तो अगर इस केस में डिजीज होगी तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि ये डिजीज कौन सी थी, ये डिजीज थी एक्स लिंक्ड, लेकिन एक्स लिंक्ड पर ये कौन सी वाली कैटेगरी में आएगी, रिसेसिव में। यानी अगर इनके जीन्स रिसेसिव होंगे तो डिजीज अपियर होगी, वरना नहीं होगी। छोटी सी बात सुन लीजिएगा कि चले मैं इसकी दूसरी टाइप आपको बताता हूं। तो अभी हमने एक टाइप क्या पढ़ी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी जो ऐसी डिजीज हो जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो, लेकिन सिर्फ कब हो, जब दोनों जीन्स क्या हो जाएं, दोनों एलील्स हो जाएं रिसेसिव, तो वो डिजीज सिर्फ तब होगी। दूसरी टाइप में आपको बताऊंगा, पहले नमाज का वक्फा कर लेते हैं। वैसे तुम लेट आए हो,
जी अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी बात करने का मकसद ये है कि असल में ये पूरा टॉपिक आपका है ना डिवाइडेड जिन चीजों में, उसमें सबसे पहले हमें ये कैटेगरीज पढ़ लेनी चाहिए। जब हम ये कैटेगरीज पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें ये समझने में आसानी होगी कि बेसिकली हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं। अब अगली बात पर आइए कि आपने क्या कहा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक डिजीज तो वो होती है कि जो सिर्फ तब होती है जब एक्स पर मौजूद जो जीन्स होते हैं वो रिसेसिव हो जाएं, तो वो डिजीज जो है वो आपको हो सकती है। बट कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं कि जो जिनका ताल्लुक किससे होता है, जिनका ताल्लुक होता है जिनका ताल्लुक असल में होता है उनसे, आपके जो एक्स लिंक डोमिनेंट से, ठीक है, यानी कि वो हैं एक्स क्रोमोसोम पर ही लिंक्ड, लेकिन वो कौन से जीन्स हैं वो डोमिनेंट है। यानी अगर वो जीन डोमिनेंट हो गया, अगर वो जीन डोमिनेंट हो गया तो वो जो डिजीज होगी वो अकर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिजीज है ये है एक्स लिंक्ड, इसके क्रोमोसोम, इसके जो जीन्स हैं डिजीज के, या इस ट्रेट के जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर ही मौजूद हैं, लेकिन वो हर नॉर्मल पर्सन में रिसेसिव होते हैं। हर नॉर्मल पर्सन में वो जीन्स जो हैं वो रिसेसिव होते हैं। बट जो अगर वही एक्स लिंक के जीन क्या हो जाएं, डोमिनेट कर जाएं, डोमिनेंट हो जाएं, तो फिर ये क्या करेंगे, ये डिजीज कॉज कर देंगे। तो कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती हैं, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती हैं। तो अब क्या हमें पता लगा कि अभी तक हमने दो कैटेगरीज हैं वो पढ़ी हैं, बल्कि दो कैटेगरीज भी नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सेक्स लिंक डिजीज में मैं आप लोगों को जो है वो एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात बताता हूँ। ये देखिएगा, सेक्स लिंक में एक है एक्स लिंक्ड और दूसरी है वाई लिंक्ड। ठीक है, हमने अभी तक दोनों जो कैटेगरीज पढ़ी हैं वो एक्स की ही दो पढ़ी हैं, एक है एक्स लिंक्ड रिसेसिव और दूसरी है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक हो गया, लेकिन ये बात मत भूलिए कि एक डिजीज कुछ डिजीज ऐसी भी हैं जो वाई लिंक्ड होती हैं। अब वाई लिंक्ड जो है वो उसका केस बड़ा डिफरेंट होता है समटाइम ना। वाई लिंक्ड डिजीज का सबसे बड़ा ये होता है कि ये जो होती है ना, ये सिर्फ ओनली मेल्स में होती है, ये फीमेल्स में हो ही नहीं सकती। ऑब्वियस ही बात है, फीमेल्स में वाई है ही नहीं, लेकिन ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट है ये मेल को भी हो सकती है और फीमेल को भी हो सकती है। अब इसकी वजह क्या है, जरा सुनिएगा, इसकी वजह यह है कि ये फीमेल को हो सकती, ये फीमेल को इसलिए हो सकती है क्योंकि फीमेल के पास होता ही एक्स है, होता ही एक्स एक्स है। ठीक है, मैं फीमेल के ही आगे लिख देता हूँ, फीमेल के पास होता ही एक्स एक्स है, लिहाजा ये फीमेल को भी हो सकती है, लेकिन ये मेल को भी हो सकती है क्योंकि मेल जो है वो उसके पास एक एक्स तो है ही है ना। तो ऐसी सूरत में जब आप कहेंगे कि एक डिजीज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो वो फीमेल को भी हो सकती है क्योंकि उसके पास दोनों एक्स हैं, लेकिन उसके वो मेल को भी हो सकती है क्योंकि उसके पास कम से कम एक एक्स तो है, जिस वजह से वो आप कहते हैं कि ये जो डिजीज है एक्स लिंक ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है, ये ओनली मेल्स में होती है। ठीक है, अब उससे हमें गर्ज नहीं है, याद रखिए जो वाई लिंक्ड होगी ना वो रिसेसिव और डोमिनेंट वाला केस उसमें उतना नहीं होगा। अब अगर आप में से कोई इसका मुझे बता दे, इसकी लॉजिक बता दे कि उसमें रिसेसिव और डोमिनेंट का हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो बहुत बड़ा जो है वो आप लोग कारनामा करेंगे। अगर आप मुझे ये बता दें कि वाई लिंक्ड में रिसेसिव और डोमिनेंट वाला सीन क्यों नहीं होगा। जी, वैसे तो वाई में भी हो सकता है, मतलब आप उसको अगर जरा ज्यादा थोड़ा सा गौर से करें, आप इसको इस फैक्टर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। चले मैं आपको इसको एक और अंदाज से बताता हूँ, वाई में भी हो सकता है। ठीक है, वाई में भी डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो है वो मामला हो सकता है कि अगर एक जीन नॉर्मल है उसको आप डोमिनेंट कंसिडर कर लें और दूसरा रिसेसिव है उसको आप जो है वो अब नॉर्मल कंसिडर कर लें, तो वो हो सकता है। चलें हम इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, हमें पता लग गया कि वाई लिंक्ड
जो है वो भी डोमिनेंट हो सकता है और रिसेसिव हो सकता है, और जो एक्स लिंक्ड है वो भी डोमिनेंट हो सकता है और रिसेसिव हो सकता है। जब भी कोई डिजीज जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव होगी और वो सेक्स लिंक्ड होगी तो फिर हम उसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव या डोमिनेंट कहेंगे और वाई लिंक्ड रिसेसिव या डोमिनेंट कहेंगे। अब यहाँ पर जो मैं ये सारा सिलसिला मैंने बनाया, आप लोग जो डिजीज पढ़ने वाले हैं, द डिजीजेज यू आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है, उनमें जो है वो कौन कौन से डिजीजेज हैं ये देख लेते हैं। आप पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो आप चंद एक डिजीजेस पढ़ेंगे वो होंगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। दूसरी आप इसमें पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आप कौन सी पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरी आप इसमें पढ़ेंगे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है। ये दो डिजीजेस आप पढ़ेंगे ये एक्स लिंक्ड होती हैं और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। दूसरे नंबर पे आप जहां पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये डिजीज भी आप पढ़ेंगे इसमें, और ये डिजीज इसकी कौन सी टाइप है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं। इसमें आपने पढ़नी है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रोलीमिया यानी एक ऐसी डिजीज जिसमें कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे इसमें पढ़नी है वायलिंट, वायलिंट जो है उसमें जो डिजीज है वो गालिबन जो है वो है रिकेट्स है, पता नहीं कौन सी, देख लेते हैं। वायलिंट में यहां पर नहीं, कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है। SRY ऑन वाई क्रोमोसोम डिटरमिन्स मेलनेस, इट इज मेल सेक्स स्विच विद ट्रिगर्स, यहां पर हाँ कोई भी नहीं है, बस कोई डिजीज नहीं है। आपने इसमें कोई डिजीज नहीं पढ़नी, यहां पर सिर्फ आपने पैटर्न पढ़ना है। अच्छा, हमारा पैटर्न ऑफ स्टडी क्या होगा? ले जी, अब मैं आप लोगों को जो है वो पैटर्न ऑफ स्टडी बताऊंगा। पैटर्न ऑफ स्टडी में हम इस पूरे टॉपिक में, मैं इस टॉपिक का आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूं ना, उसके बाद आप अगर इसको सिर्फ रीड कर लें तो आप जो है वो इस टॉपिक को समझ लेंगे, इसलिए मैं पहले सारा कुछ बता रहा हूं ताकि हम बाद में सारा कुछ क्विकनेस के साथ कवर कर जाएं। पैटर्न ऑफ स्टडी हमारा होगा कि हमारा जो क्रॉसेस का रूल होगा वो कौन सा वाला यूज होगा, क्रॉसेस हम किसके रूल पे बनाएंगे, हाँ जी, जो क्रॉसेस बनाएंगे हम वो किसके रूल पर बनते हैं, जब भी जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं तो क्रॉसेस किसके रूल पर बनते हैं, क्या हो गया, जी बिल्कुल, जो जब भी क्रॉसेस बनते हैं वो मेंडेलियन रूल पर बनते हैं, ठीक है, तो ये तो हम यही काम करेंगे, फाइन, यानी कि हमने जो है वो क्रॉस को मेंडल के रूल पर बनाना है। एटलीस्ट जब हम स्टार्ट करेंगे ना, जब हम कोई क्रॉस स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग करेंगे, तो वो हम मेंडल के रूल पर करेंगे, ठीक है, आगे हम क्या चेंजेस लाते हैं वो बाद की बात है, लेकिन पैटर्न ऑफ स्टडी में एक चेंज आएगा और वो क्या होगा, वो होगा पेडिग्री का। पेडिग्री असल में एक फैमिली ट्री होता है, किसी भी डिजीज को फैमिली में स्टडी करने के लिए हम एक पूरा ट्री बनाते हैं जिसको पेडिग्री कहा जाता है, कि ये डिजीज कहां से कहां ट्रेवल की, हम इसमें पूरे पूरे एक जीन का पाथ डिफाइन कर लेते हैं, पाथ ऑफ जीन। अब वो डिजीज था या जो भी था, लेकिन हम उसमें जो है डिजीज थी या जो भी था, हम उसमें पूरा पूरा पाथ डिफाइन कर लेते हैं, यानी एक पूरा एक रास्ता होता है कि जीन ट्रेवल करता 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 का किस जनरेशन से किस जनरेशन तक गया। देखिए, याद रखिए, जब आप पेडिग्री बनाते हैं ना, जो फैमिली ट्री होता है उसके चंद एक रूल्स होते हैं। पेडिग्री में सबसे पहला रूल ये होता है कि जब स्क्वायर बनाया जाएगा और उसको शेड नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब होगा कि ये पर्सन नॉर्मल है और मेल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब सर्कल बनाया जाएगा और वो शेडेड नहीं होगा तो ये पर्सन फीमेल है और नॉर्मल। जब शेडेड स्क्वायर बनाया जाएगा तो इसका मतलब है कि ये पर्सन इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड कह लें या डिजीज्ड कह लें, और मेल है, क्योंकि स्क्वायर मेल के लिए यूज होगा।
जब आप सर्कल बनाएंगे और स्क्वायर बनाएंगे तो ये पर्सन इन्फेक्टेड है और फीमेल है। फिर पेडिग्री का लास्ट रूल, जब आप एक सर्कल बनाएं और उसके अंदर एक छोटा सा एक और डॉट लगा दें तो ये एक ऐसी फीमेल है जो कैरियर फीमेल है बट नॉट डिजीज्ड। ये फीमेल खुद नॉर्मल है, ठीक है, ये फीमेल खुद नॉर्मल है। जब आप एक सर्कल लगा के अंदर एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं तो ये फीमेल खुद नॉर्मल है, लेकिन इसके पास उस डिजीज का रिसेसिव एलील मौजूद है, ठीक है। तो ये रूल्स यूज होते हैं कब, जब हम पेडिग्री बना रहे होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मेंडल की एग्जांपल कहां से शुरू होती थी, आमतौर पर मेंडल एक साइड पर जो है वो डोमिनेंट रखता था और दूसरी साइड पर रिसेसिव रखा करता था, ठीक है। तो अब हम इसी तरीके से करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हीमोफीलिया, एक लम्हे को हीमोफीलिया डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हमने पहले मेंडल का नॉर्मल क्रॉस बनाएंगे फिर बाद में ये वाला रूल यूज करेंगे। हमने एक फीमेल को का की मैरिज हुई एक मेल के साथ, ठीक है, एंड बोथ आर नाउ गोइंग टू बी द ट्रू ब्रीड्स, क्योंकि मेंडल के क्रॉसेस का रूल क्या था कि वो स्टार्ट करता था ट्रू ब्रीड से। सो हमने क्योंकि पहले अब सेक्स लिंकेज शो करनी है तो सेक्स लिंकेज शो करने में हम पहले क्रोमोसोम शो करेंगे। तो पहले आपने क्रोमोसोम शो कर लिए, उसके बाद आपने शो कर लिए एलील, ठीक है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, यहां पर ये जो एलील है इसमें सिर्फ एक्स के ऊपर आप एच लगाएंगे, क्यों वाई के ऊपर एच नहीं लगाएंगे आप, एक्स के ऊपर एच लगाएंगे क्यों? मैंने सिर्फ एक्स के ऊपर क्यों लगाया एच, वाई के ऊपर क्यों नहीं लगाया? हाँ जी जल्दी से जल्दी से। नहीं पता लगा, इसलिए नहीं लगाया हमने क्योंकि ये जो डिजीज हम अब डिस्कस करने लगे ना हीमोफीलिया, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अभी बताया कि हीमोफीलिया कौन सी डिजीज है, एक्स लिंक्ड है। अगर ये हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है तो इसका क्या मतलब है कि जो हीमोफीलिया है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जीन किस पे मौजूद होगा, एक्स पे, उसका जीन वाई पर से एबसेंट होगा, जीन वुड बी एबसेंट फ्रॉम वाई। यहां पर अब ये बात समझने की है, ठीक है, एबसेंट फ्रॉम वाई, इसका क्या मतलब हुआ कि अब जब आपने क्रोमोसोम बना लिए तो क्रोमोसोम बनाने के बाद आप सिर्फ उन क्रोमोसोम पर वो जीन शो करेंगे जिनके ऊपर आपकी थ्योरी कहती है कि जिनके ऊपर वो जीन एसोसिएटेड है, दूसरे पर शो नहीं करेंगे। सो देख लीजिए कि ये आपके पास आ गया नॉर्मल केस, ये आपके पास आ गया डिजीज केस। इसके गैमीट्स बनाए एक्स एच, इसके गैमीट्स बनाए एक्स एच वाई। अब देखिएगा, गौर करें, जब आप एक्स एच को स्मॉल एक्स एच से क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, और जब आप एक्स कैपिटल एच को वाई से क्रॉस करवाएंगे तो ये आएगा एक्स कैपिटल एच वाई, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया रिजल्ट, अब मैं इसके मुताबिक आपको पेडिग्री बनाकर दिखाता हूं। इधर देखिएगा, आपने किन दो की शादी करवाई थी, नॉर्मल फीमेल और डिजीज्ड मेल। नॉर्मल फीमेल, ये हो गया सर्कल, going to be married with the diseased male, ठीक है, ये हो गया। अब इनके होंगे बच्चे, ठीक है, इनके बच्चों में दो पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? अब अगर आप यहां अपनी आसानी के लिए चाहते हैं तो यहां आप लिख लें x कैपिटल h, x कैपिटल h, और अपनी आसानी के लिए यहां लिख लें x स्मॉल h y, क्योंकि ये मेल है, ठीक है। तो इसके गैमीट्स बनेंगे x कैपिटल H, इसके गैमीट्स बनेंगे एक्स एच वाई, ठीक है। अब इसके बच्चों में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या ये x कैपिटल H x स्मॉल h से जाकर जो है वो करे फ्यूजन करे और फीमेल बना दे, क्योंकि x और x फीमेल है, ठीक है, और या ये वाला x जो है ये इस y के साथ जाके फ्यूजन करे और क्या बना दे, मेल बना दे, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, x कैपिटल h x स्मॉल h,
जब ये मिलेगा, मैंने आपको क्या कहा, फीमेल बनेगी, ठीक है, और जब एक्स कैपिटल एच और वाई मिलेगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। मुझे ये बताइए कि यहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूं, कोई ऐसा पॉइंट जो यहां मैं मिस कर रहा हूं इस जगह पर, जो पॉइंट यहां मैं मिस कर रहा हूं वो ये है कि एक्स कैपिटल एच के साथ जब एक्स स्मॉल एच आ जाएगा ना, तो ये वो जीन है, ये वो जीन है जो कि रिसेसिव है। और इसका क्या मतलब है, जिसमें ये होगा, चाहे वो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, लेकिन जिसमें ये होगा वो कैरियर होगा। तो अब आप देख लीजिए, ये फीमेल नॉर्मल है, दिस फीमेल इज गोइंग टू बी नॉर्मल, लेकिन क्या हो गया है कि वो जो फीमेल है नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, क्योंकि उसके पास उस डिजीज का रिसेसिव जीन मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीके से, अब आप देखिए आपके सामने सारे एक्सप्रेशन है, नॉर्मल फीमेल डिजीज्ड मेल, नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल, ये केसेस जो है इस तरीके से हमने पूरे पूरे जो है वो पेडिग्रीज बनानी होती है। ठीक है, अब अज्यूम करें, मेरे पास अभी 2-3 मिनट है, जरा सुनिएगा, अज्यूम कीजिए कि आप इस फीमेल की शादी कराती हैं, कराते हैं एक नॉर्मल मेल से, जो कि जिसकी जीनोटाइप बनेगी एक्स कैपिटल एच वाई। ठीक है, इसकी जीनोटाइप ये बनेगी। अब इसके बच्चों में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, गौर कीजिएगा, इसके बच्चों में उतनी ही पॉसिबिलिटीज होंगी जितने आप गैमीट्स बनाएंगे। इसके गैमीट्स बनाइए एक्स कैपिटल एच वाई, ये दो गैमीट्स इसके बन गए, और इसके गैमीट्स कौन से बन गए, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। ठीक है, तो पहले एक्स कैपिटल एच करवाइए, तो ये कौन सी फीमेल आ गई, सबसे पहले तो आप ये करवाइए एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच, ये कौन सी फीमेल आ गई, नॉर्मल फीमेल। फिर इस एक्स कैपिटल एच को स्मॉल एच वाले एक्स के साथ करवाएंगे, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, ये आ गई फीमेल, लेकिन ये अब कौन सी फीमेल है, ये कैरियर फीमेल है, क्योंकि इसके पास उस डिजीज का क्या है, उस डिजीज का इसके पास जो है वो जीन मौजूद है, अगरचे ये खुद नॉर्मल है। अब वाई की बारी आ गई, वाई जो है उसका जब बनेगा तो ये एक्स कैपिटल एच, क्योंकि ये वाला वाई पहले इसके साथ क्रॉस कराएंगे ना, एक्स कैपिटल एच वाई, तो ये मेल जो है ये नॉर्मल है, लेकिन एक्स स्मॉल एच वाई, अब यहां पर जो मेल है वो डिजीज्ड है। अब यहां से क्या पता लगता है, यहां से ये पता लगता है ये जो डिजीज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये किन में ज्यादा अपीयर होती है, मेल्स में ज्यादा अपीयर होती है। बेटा जल्दी से मुझे इसकी लॉजिक बताइए कि मेल्स में ज्यादा अपीयर होने की, या मेल्स को ये डिजीज होने के ज्यादा चांसेस क्यों हैं, जल्दी से, बहुत आसान लॉजिक है और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको समझ आई है तो ये लॉजिक पहुंचने में आपको मुश्किल होनी चाहिए। मेल्स में ज्यादा इम्कान है कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज मेल को ज्यादा होगी, क्यों, जल्दी से बताइए, हाँ भाई, कोई नहीं आइडिया किसी को, अवैस तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही यार, तुमने अगर कुछ बोला भी है तो, हाँ बेटा इसमें डिजीज ज्यादा होने की फीमेल में क्यों चांस है, क्योंकि फर्ज कीजिए अगर फीमेल में एक रिसेसिव, ये देखिएगा एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, बेटा एक रिसेसिव आ भी गया तो उसको काउंटर करने के लिए एक डोमिनेंट एच तो फीमेल के पास होगा ना। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिजीज्ड एलील है ये छुप जाएगा और जो डोमिनेंट है वो अपना इफेक्ट शो कर देगा, लेकिन जो मेल है उसका क्या होगा, अगर एक उसके पास रिसेसिव आ गया तो उसको काउंटर करने के लिए वाई के पास कोई डोमिनेंट एलील मौजूद होने का चांस नहीं है। कैपिटल अगर स्मॉल एच आ जाता है तो फीमेल के पास दूसरा भी एक्स ही है, और इस डिजीज के साथ शर्त क्या है कि ये डिजीज सिर्फ एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है,
अगर ये जो एच जीन है ये स्मॉल हो जाता है तो फीमेल के पास दूसरा एक्स भी है, और अगर दूसरे एक्स पे क्या है कैपिटल एच है तो जो स्मॉल एच है उसका इफेक्ट शो नहीं होगा, लेकिन मेल के पास दूसरा एक्स नहीं है, जब मेल के पास दूसरा एक्स नहीं है और एक भी रिसेसिव हो गया तो इसका मतलब है मेल में वो डिजीज अपीयर हो जाएगी। सो जो हीमोफीलिया का केस है उसमें फीमेल ज्यादा से ज्यादा क्या होगी कैरियर, फीमेल मोस्टली क्या होगी कैरियर और मेल डिजीज्ड होंगे, क्योंकि मेल के पास एक भी रिसेसिव आ गया तो उसको डिजीज हो जाएगी, फीमेल के पास एक रिसेसिव आ गया दूसरा डोमिनेंट हुआ तो वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, सो ये जो है वो इंशाल्लाह हम इसको मजीद डिटेल में कल समझेंगे, अभी हीमोफीलिया वाला पूरा टॉपिक नहीं हुआ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।